Good morning everyone. Now in this video I have to describe you about 12th schedule of our constitution. I think so if this video is helpful for you. सबसे पहले हम देखते हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल से हटकर जो ये शेड्यूल थे वो क्यों बनाए गए थे. ये शेड्यूल जो थे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको थोड़ा सा प्रिसाइज करने के लिए या थोड़ा सा उसको अच्छे से समझने के लिए जो ये शेड्यूल्स थे वो यहाँ पर इंसर्ट किए गए थे. एक्चुअली में जो शेड्यूल्स बने थे वो टैबुलेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिसीज एंड ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी, ये बनाए गए थे जो पॉलिसीज वगैरह हैं उनको अच्छी तरह से टैबुलेट करने कैटेगराइज वाइज रखने के लिए जो एक्टिविटीज़ थी पॉलिसी और ब्यूरोक्रेटिक थी, इसलिए शेड्यूल्स बनाए गए थे और कुछ भी नहीं है. देर इज़ अ सम जस्ट अ लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सम स्पेसिफाइज सम थिंग्स इन inserted in our article. Schedule is not something specified, but in this there is some list of some articles, some precise topic which is prescribed in our constitution in our schedules. वैसे originally 8 schedule थे लेकिन बाद में अभी तक में 12 schedules हैं, 4 schedules और add किए गए थे. सबसे पहले हम देखते हैं schedule 1 क्या बोलता है. जो article 1 है वो बोलता है इंडिया दैट इज़ अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ अ स्टेट. इसने बोला था कि जो इंडिया है जो उसको भारत बोलते हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट है. ठीक है, जो पहले बोलता था जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिख दिया आर्टिकल 1 कह रहा है जो फर्स्ट शेड्यूल में जिसको बोला गया भारत वही भारत है. ठीक है, तो फिर इसमें बोला गया था फिर जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा जैसे बोल दिया पाकिस्तान आवर कश्मीर, जो पाकिस्तान का पाकिस्तान ऑक्यूपाई द कश्मीर को अगर हम पाकिस्तान से ऑक्यूपाई कर लेते हैं कश्मीर को, अभी उस दिन देखना जैसे हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि हम पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेते हैं कश्मीर से कि हम इसको कश्मीर हमारा पार्ट बनेगा इंडिया में, लेकिन हम उसको स्टेट्स नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको टेरिटरी बोलेंगे. लेकिन एक्चुअल में जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको स्टेट ही बोला जाता है, स्टेट में ही आता है. अभी इसको देखते हैं जो इसमें बोला कि जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ आर्टिकल 1 बोलता है जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है वही सब इंडिया का पार्ट है. तो आर्टिकल फर्स्ट के जो शेड्यूल फर्स्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है. सबसे पहले क्या हुआ था नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जो 1951 में, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1983 हुई थी, 9th शेड्यूल से आया था 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, 10th शेड्यूल से आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1983 और 11th शेड्यूल में आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 11th शेड्यूल में, 74th जिसमें म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया है 1982 12th शेड्यूल में. पहले जो पार्ट था जैसे क्या था, पहले पार्ट ए बी सी डी के अंदर डिवाइड था, फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 ने इन सबको अबोलिश कर दिया पार्ट को, फिर इसने पार्ट को स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया और यूटीज़ को इस्टेब्लिश स्टेट और यूटीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया. ठीक है, फिर जो आर्टिकल है जहाँ पे आर्टिकल क्या कहते हैं, सबसे पहली बात इसने कहा था कि जो शेड्यूल वन ने बोल दिया वही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. उसके बाद आता है आर्टिकल 152 क्या बोलता है, उसने जनरली एक डेफिनेशन सिर्फ प्रोवाइड करी हुई है जिसमें वो बोलता है कि इन द पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जो एक्सप्रेशन स्टेट है वो इंक्लूड नहीं करेगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को. आर्टिकल 152 जनरली में ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो स्टेट है उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में शेड्यूल फर्स्ट के अंदर यहाँ पर प्रिस्क्राइब है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो हमारे इंडिया का पार्ट है उस स्टेट में आएगा. ठीक है, और जो इससे पहले 5 अगस्त 2016 जम्मू एंड कश्मीर हमारा पार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडिया का, इसीलिए इसको यहाँ पर मेंशन शेड्यूल 1 के अंदर बोला गया था. लेकिन आर्टिकल 152 के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो जम्मू एंड कश्मीर हमारे इंडिया का भी पार्ट नहीं है. ये था शेड्यूल 1. फिर आता है शेड्यूल 2 जो हमें बताता है अमोलमेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज जो मिनिस्टर्स वगैरह जो सब काम करते हैं उनकी सैलरीज प्रिविलेजेस अमोलमेंट्स क्या होंगी वो शेड्यूल 2 के अंदर प्रेस्क्राइब है और आर्टिकल 125 के अंदर भी प्रेस्क्राइब्स हैं, अलग अलग तरीके से प्रेस्क्राइब है. उसके बाद शेड्यूल 3 बोलता है फॉर्म्स ऑफ ओथ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कैसे ओथ वगैरह देनी है.
जो ये शेड्यूल 3 है, प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट को ओथ को छोड़ के बाकी सब मिनिस्टर्स की जो ओथ है वो शेड्यूल 3 के अंदर प्रिस्क्राइब है। जो प्रेसिडेंट, इन सब की ओथ है, इनके जो स्पेसिफाइड आर्टिकल्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट की जो ओथ है आर्टिकल 60 के अंदर प्रिस्क्राइब है, तो उनकी वहीं रहेगी। इनके वैसे जो ओथ के जो दो टाइप्स होते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब है, ओथ ऑफ ट्रू फेथ एंड एलिजेंसेज एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी, जो मिनिस्टर्स लेते हैं मोस्टली। फिर आता है शेड्यूल 4th, वो बोलता है सीट एलोकेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर सीट एलोकेट कैसे करनी है, राज्यसभा जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है स्टेट्स में, ठीक है। तो इनका जो प्रोपोर्शनल है, जो एब्सोल्यूट नंबर है, इनडायरेक्टली इलेक्ट तो प्रोपोर्शनली होती है, नंबर ऑफ स्टेट इतने आएंगे तो उसके प्रोपोर्शन से मेंबर से मल्टीप्लाई करेगा, जिस तरीके से होता है इनडायरेक्टली इलेक्शन। तो जो एब्सोल्यूट नंबर जो है इनके, वो शेड्यूल 4 के अंदर प्रिस्क्राइब है, मतलब सीट एलोकेशन इन द राज्यसभा। फिर आता है शेड्यूल 5, वो बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइब। जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल होगा शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब का, वो कैसे होगा, लेकिन जो वो सब कुछ शेड्यूल 5 के अंदर प्रिस्क्राइब है, एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो है वो शेड्यूल 6 के अंदर प्रिस्क्राइब है, इनका शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का। फिर जो शेड्यूल 7 है वो बोलता है फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म, इसको फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म बोला जाता है, और लेजिस्लेटिव पावर्स के लिए भी बोला जाता है। इसको डिवीजन ऑफ पावर्स को लाया था। डिवीजन ऑफ पावर मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन है वो यहाँ पे लॉ, यूनियन पार्लियामेंट रोल लॉ बना सकती है यूनियन के सब्जेक्ट मैटर पे और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे ऊपर जो लॉ है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बना सकते हैं। फिर आता है शेड्यूल 8, जो लैंग्वेज के बारे में रिकॉग्नाइज करता है, जिसके अंदर 22 लैंग्वेज जो है हमारी रिकॉग्नाइज हैं। और शेड्यूल 9th है जो बताता है लॉ विद इन दिस शेड्यूल्स आर प्रोटेक्शन फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। जिसने जो बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का 1951 का, उस 1951 में जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो शेड्यूल 9th जो है उसने जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी वो उसको जुडिशियल रिव्यू को प्रोटेक्शन के लिए ये शेड्यूल के अंदर डाला गया है। इसकी प्रोटेक्शन केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस में आफ्टर द 24th अप्रैल 1973 लॉ विच आर मेड, उस जो कोई भी लॉ बनेगा उसमें जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होएगा ही होएगा, जुडिशरी की पावर्स आएगी। फिर आता है शेड्यूल 10th, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के थ्रू आया था। फिर आता है शेड्यूल 11th, जो रूरल जो मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो पंचायती सिस्टम के बारे में बताता है, जिसने 29 सब्जेक्ट मैटर्स लाए थे, वो 11th शेड्यूल है। जो 12th शेड्यूल है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1919 में आया था, और जो पंचायती राज सिस्टम है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। ये थे हमारे 12 शेड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन।